ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ। पानी पीना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। ऐसी जगह आया हूँ सिर्फ यहाँ पे एक पानी का नलका है जो आज भी ऐसी जगहों पे चलता है। तो आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में रोशनपुरा एक जगह है, गांव है, गांव तो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, बट एक बार इस तरफ देख लो पूरे में। शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। और इस तरफ देख लो, अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। पीछे से कुत्तों की आवाज़ें आ रही होंगी, वो आनी भी ज़रूरी है क्योंकि जगह ऐसी है, बात ऐसी है इस जगह की कि इस जगह पे गांव के, देखो ऐसी चीज़ें गांव में ही होती हैं। और वीडियो को पूरी देखना, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी मेरी वीडियोस देखो पूरी देखो, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो जगह ऐसी है, इसकी बात ऐसी है कि यहाँ पे लोगों ने कई आवाज़ें, कई लोगों की प्रेजेंस फील करी है और कई लोगों को देखा है, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ आया हूँ। तो थोड़ी सी आगे आ जाइए, चलते रहिए। मुझे जाना इस तरफ है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इससे पहले नहीं आया इस जगह पे। आप देख लो किस जगह पे हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको गूगल टाइम दिखाना भूल गया हूँ, तो गूगल टाइम देखना बहुत ज़रूरी है। गूगल टाइम थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, कोई बात नहीं। गूगल टाइम तो 12:05 हो रहे हैं, जूम करके चेक कर लो, ठीक है। अब ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे इतनी वाइब्स हैं कि शायद कोई आने से डरता है। इस टाइम पे मैं आपको वादा, मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंट होके बोल सकता हूँ कि यहाँ पे शायद कोई आता भी नहीं है, जितना कि मैंने इस जगह के बारे में जाना। ये एक दीवार है, आप देख लो यहाँ पे, अगर आपको शायद दिख भी रही होगी, बस यहाँ से ये कहानी स्टार्ट है। अब आप आगे की तरफ आ जाओ, थोड़ा सा आप नीचे देख के चलना, सांप का डर रहता है यहाँ पे। अगर कुछ लोग इस चीज़ को देख के समझ गए होंगे तो शायद अच्छी बात है, नहीं समझे तो थोड़ा सा बस ध्यान से रखना। और कुछ उन डंडों को देख के समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, बस थोड़ा सा इन डंडों को देख लो, इस जगह को देख लो और इस जगह को देख लो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक शमशान घाट में हूँ। कमेंट्स चेक कर लो नीचे की तरफ या स्क्रीन पे चेक कर लो। इस जगह पे मेरे को बोला गया कि आप आओ, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो, ज़्यादा सस तिवारी बनते हो ना, तो रात को यहाँ पे 12 बजे आके दिखाना और यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे आप। मैं हिम्मत वाला तो बहुत हूँ और बहुत अंदर वो भी है कि कोई मुझे ऐसे चैलेंज करता है, मैं पसंद ज़रूर करता हूँ उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ अगर मेरे अंदर हिम्मत होती है तो। बाकी हिम्मत तो खैर है ही, तभी मैं रात को 12 बजे आया हूँ। अब देख लो,
सुनसान पूरा एरिया है, शायद यहाँ पे कोई भी नहीं है, और यहाँ पे कोई ना कोई मिलेगा क्योंकि रात को यहाँ पे किसी का काम नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो डंडा है ये क्यों यूज़ किया जाता है, और ये देखो ये बांस बैम्बू, इसका यूज़ तब किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो जो चीज़ जो जो सब्जेक्ट दिखता रहेगा मैं उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हर कोई अलग अलग कम्युनिटी से है, हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं डेड बॉडी को जलाने के और कॉफिन में रखने के, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो बता देता हूँ, जब डेड बॉडी जलाई जाती है उसको बर्न किया जाता है, तो ये बांस का डंडा ये बैम्बू उसके सर पे ऐसे मारा जाता है इस तरफ कि वो अपनी याददाश्त जो इस जन्म की है जब उसे जलाया जा रहा है तो उसे अगले जन्म में याद ना आए, इस वजह से इस बैम्बू को इस डंडे को उसके सर पे ऐसे हिट किया जाता है और उसके पार फेंका जाता है। जैसे कि डेड बॉडी ये है, बैम्बू ये हेड पे मारा हिट किया और इसी बैम्बू को ऐसे उठा के यहाँ फेंका जाता है कि अगले जन्म में उस इंसान को इस जन्म की बातें कभी याद ना हो। यहाँ पे वाइब्स और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लोगों ने भी बताया था यहाँ के बारे में, मैंने पूछा पता किया और कुछ मैसेजेस मेरे पे इंस्टाग्राम पे भी आए थे और मेरे कमेंट पे भी आ रखे हैं पुराने टाइम पे। तो आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके, देखो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं अपने मेरा मीटर कहाँ गया, मैं आपके पॉकेट से मीटर निकाल लूँ पहले। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, ये कोई मजाक नहीं है, काफ़ी लोग इसको मजाक बोलते हैं, हर मशीन पे विश्वास करना पड़ेगा। जैसे कि आप कभी अपना स्कैन कराते हो, पेट स्कैन कराते हो, बॉडी स्कैन कराते हो, MRI स्कैन कराते हो, वो भी एक मशीन होती है जो डिटेक्ट करके आप डॉक्टर के कहने से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो। क्योंकि कई लोगों का कहना है, देखो नए लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे थे उनको मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि पुराने लोग कुछ बातें समझ नहीं पाते, तो ये ऑब्वियस ही बात है अगर इंसान ने बनाई है तो ये कुछ काम ज़रूर करती हैं। और आप मेरे पूरे वीडियोज़ को देखना, सारी वीडियोज़ को एनालाइज करना, तब आपको समझ आएगा। और मेड इन अमेरिका नॉट अ चाइना प्रोडक्ट, मेरे को ये एक्सप्लेनेशन देनी नहीं थी बट ऐसी जगह आके देना चाहता हूँ। और ये असली शमशान घाट है जिसके बारे में बताया जाता है, और देखो ये काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसी हैं यहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती हैं। वो सामने भी एक जगह है जहाँ पे ये फेंका हुआ है, और बताते हैं यहाँ पे बच्चों का भी शमशान घाट है क्योंकि इसमें बच्चों को भी दफनाया जाता है। बट रात को मेरे को जज करना बड़ा मुश्किल होगा, बट आई ट्राई के आई कैन कम्युनिकेट विद द एनर्जीज इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी कि मैं ये सब कर सकूं, तो ज़रूर मैं ट्राई करता हूँ। और काफ़ी सारे ये कीड़े हैं तो मैं थोड़ी एक मिनट के लिए लाइट बंद कर देता हूँ और कहीं EMF सेट करता हूँ और मैं कम्युनिकेट करने की बातें करूँगा। बंद कर दो। यहाँ पे डेड बॉडीज जलाई जाती हैं और मैंने शूज पहने हैं, सांपों का डर भी रह सकता है और मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता शमशान घाट की या ऐसी जगह की। आपने देख भी लिया, आपको पता चल रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये मिट्टी नहीं है, ये वो राख है, ये वो एशेज हैं, जब जलाया जाता है तो ये इन एशेज पे ये एशेज फेंक दी जाती है यहाँ पे। और ये देखो ये सारी एशेज हैं जलाने के बाद, ये डंडे भी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं इस मीटर को कहाँ यहाँ सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा, आप लाइट बंद कर दो। आप में से कोई भी यहाँ पे है तो मुझसे बात करने की कोशिश करें, मैं इस शमशान घाट में आया हूँ आपसे बात करने के लिए। अगर आप में से कोई भी यहाँ पे है तो बत्ती के पास आइए। ओ माय गॉड, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं शायद ऐसी, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं वाइब्स कंटिन्यूसली।
आप में से कोई भी यहाँ पे है तो इस मीटर के पास आइए, बत्ती जला के मुझे अपने होने की प्रेजेंस फील कराइए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फ्लैश लाइए, थोड़ा सा लाइट को कम करिए। आप में से कोई भी यहाँ पे है तो मुझे अपने होने की प्रेजेंस फील कराइए। मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बिताऊँगा और ये शमशान घाट है, मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पे आया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हुई। आप अगर मुझसे नाराज़ हैं तो मुझे इस मीटर पे बत्ती जला के बता सकते हैं कि आप चाहते हैं मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर हाँ है तो बत्ती जलाइए और ना है तो कोई बत्ती मत देना मुझे। मैं फिर भी आपसे दोबारा ये पूछता हूँ, मैंने गलती करी है यहाँ के, कुत्ते भोंकने लग गए हैं यहाँ पे, आइए आइए आइए, क्या मैंने गलती करी है? शायद हाँ, यहाँ पे कुछ 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 आ रहे हैं ना, सिग्नल्स आ रहे हैं, थोड़े सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं, एक ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे, ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे परेशान नहीं करने आया हूँ, ये मैं फिर से यहाँ पे नेटवर्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे वाइब्स क्या आ रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा एक बार दिखाइए ज़रा, लाइट कम है शायद यहाँ पे। और मैं आप सबको बता देता हूँ, मैं पैर नहीं रख पाऊँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इधर आना नहीं चाहता था, पर काफ़ी लोगों ने मुझे बोला ऐसा है, अगर ऐसा है आप यहाँ पे घूमते हैं या आसपास लोग आपको देख पाते हैं और ऐसी सच्चाई इस जगह की है तो मुझे इस मीटर पे बत्ती जला के अपने होने की प्रेजेंस फील कराइए। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे? जली, बिल्कुल 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 सही 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 सही, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, पता नहीं कितने लोग यहाँ पे होंगे, कैसी कैसी चीज़ें होंगी यहाँ पे, सिग्नल आ रहे हैं। अब क्या आप चाहते हैं मैं यहाँ से जाऊँ? मैं शायद ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बस मैं ये जानना चाहता था, ये सच्चाई है तो मैं कम से कम यहाँ के लोग, आप चाहते हैं मैं जाऊँ तो मुझे एक दो बत्ती जला, दो बत्ती जली है, मैं बिल्कुल, मैं इस इन्वेस्टिगेशन को रोक देता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दोगे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। कंटिन्यूसली सिग्नल आ रहे हैं, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे शायद गलती हुई है, और जिन लोगों ने मुझे ये बात बोली कि यहाँ पे आना चाहिए मुझे, शायद ये मीटर एक एशेज पे जहाँ पे डेड बॉडीज़ जलाई जाती हैं, उनकी ऐशेज थी, मैंने मीटर रखा था, ऑब्वियस ही बात है। देखो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करना और मेरे पीछे मत आना। कुछ आवाज़ आ रही है उससे, नहीं नहीं नहीं, शायद वो ऐसी आ रही होगी, कुछ कुछ होगा, शायद पिजन होगा या कोई बर्ड होगी। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मुझे माफ़ करना और आप प्लीज़ मेरे पीछे मत आना, मुझे मुझे फॉलो मत करना, मुझे फॉलो मत करना, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बस मुझे बोला गया था यहाँ पे आने के लिए, मैं इसलिए आया था, और मुझे पता चला है कि आप हो यहाँ पे, तो मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब थोड़ी आगे बात करते हैं, चलिए थोड़ा बंद कर दो इसको, आगे चलते हैं। और मैं एक बार ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा आ गया, ये थोड़ा सा आ गया, ये नारियल है यहाँ पे, यहाँ पे नारियल और एक चुन्नी भी है, कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई हैं, तो इससे आपको साबित ज़रूर रहेगा। मैं और एक सामने भी देखो, वहाँ पे भी है, बट मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने मुझे बोला है कि मैं जाऊँ यहाँ से। कुत्ते भी भौंक रहे हैं और कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से इसलिए निकल गया,
मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं रुक सकता था, पर जब मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, मुझे इस पर सिग्नल पे ये बोला गया कि यहाँ से जाओ। और आपको पता है मैं उस टाइम ऐसे क्यों कर रहा था, क्योंकि इसमें से वो स्मेल आ रही थी, वो एशिस की, वो जलने की, वो राखों की। पर नहीं आवाज़ आ रही, अच्छा शायद कुछ मशीन चली होगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये इन्वेस्टिगेशन रोकनी थी और मैंने इसलिए रोक दी। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे है, और जिसने मेरे को बोला कि यहाँ पे मुझे आना चाहिए, तो यहाँ की सच्चाई ये सच है। तो चलते हैं यहाँ से। प्लीज़ चैनल को शेयर और वीडियोस लाइक और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पे ये वाइब्स हैं इस जगह पे, और मैंने ये फील करी है। पता है इस जगह पे मैं इसलिए नहीं रुक रहा ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे वैसे ये पवित्र जगह बताई जाती है जब इंसान को यहाँ पे जलाया जाता है, बट सीधी सी बात है यहाँ पे एक इंसान को जलाया जाता है। तो सोच लो यहाँ पे कितने सौ सालों से कितने लोगों को जलाया जाता होगा, कितने लोगों को यहाँ पे लाया जाता होगा, जिस कारण ये चीज़ें, तो ऑब्वियस ही बात है भले ही कहीं ना हो, बहुत जगहों पे नहीं हो सकती, मैंने पहले शूट करी वहाँ नहीं हो सकती, बट इस जगह पे तो कुछ है। मैं ये नहीं कहता हर जगह पे आता है, शायद कभी नहीं होता, मेरे साथ कहीं होता है, कहीं मैं फील नहीं करता, कहीं फील करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो चलते हैं यार, मैं बस इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप सब लोग, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर किया करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो और स्नैपचैट पे फॉलो करना, जिससे आपको मेरे लाइव अपडेट्स मिलते रहें।